Saudi Arabia, the land of history. I visit Saudi Arabia and met my family after a long time. Kabhi socha nahi tha ki itne sudden mujhe yahan aane ka mauka milega. So I traveled and changed multiple flights and alhamdulillah I performed the first umrah of my life. Umrah karne ke baad humne thoda aaram kiya, hotel ki jaan chhodi aur nikal pade Makkah ki galiyon mein. Assalamu alaikum ji. आज मेरा तीसरा दिन है मक्का में. इस वक्त इफ्तारी का टाइम होने वाला है और मैं निकल रहा हूँ मस्जिद के लिए. ठीक है, जो यहाँ से तकरीबन 10 मिनट की पैदल वॉक है. क्या खूबसूरत वो मस्जिद बनी हुई है और क्या उसका निज़ाम है. मतलब औरतें अलग और मर्द अलग वहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं. मैं अपनी फैमिली से तकरीबन 6 महीने बाद मिलूँ और हमारा सडन एक प्लान बना. मैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम थे मेरे, मेरी बड़े भाई से बात हो रही थी अपने और उसने मेरे साथ डिस्कस किया कि हम जाना चाहते हैं उमरा के लिए. तो मैंने जस्ट प्लान बनाया और टिकट्स देखी और बस टिकट बाय की एंड नाउ वी हियर. और अभी भी मेरे यूनिवर्सिटी के जो दो एग्ज़ाम हैं वो मिस होने वाले हैं. ये मक्के की खूबसूरत गलियाँ और सुकून सी वाइब्स हैं. यह काफ़ी सुकून है. यहाँ की जो हवाएं हैं ना काफ़ी स्पीड में चलती हैं और ठंडी ठंडी सी. इस वक्त जो मौसम चल रहा है ना ये ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है. मेरा उस वक्त जो सफ़र था वो काफ़ी लंबा था, 26-27 आवर्स का. वारसा की तरफ बस जा रही थी तो वो एक जो है ना बड़ी खूबसूरत सी जगह है और वो काफ़ी जो है ना इंजॉइंग मोमेंट थे. फिर उसके बाद आगे जो मेरी फ्लाइट थी वो थोड़ी सी हेक्टिक थी. एयरपोर्ट पर जो है इंतज़ार करना पड़ा था वो सारा सीन. लेकिन फिर उसके बाद मैं जैसे ही आया, अगले दिन उमरा करना था और वो उन सारी चीज़ों से फारिग होने के बाद इस मस्जिद में आया और वहाँ पर फिर हमने वो क्वाड बाइक्स चलाए. ठीक है, क्वाड बाइक्स इसी पार्क में हमने चलाए. दो तीन अरबी लड़के खड़े हुए थे और हमने पूछा कि यार कितना रेंट है, तो उन्होंने तकरीबन आई थिंक 10 मिनट का कोई 20 रियाल लिया. तो काफ़ी मज़ा आया, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ये वो पार्क थी, लड़के क्वाड बाइक्स लेकर खड़े हुए थे. अरबी जो है वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा शैतान मिलेंगे. इनका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल इस बारे में ना ऑपोजिट चलता है. शुगर मिल में बहुत ज़्यादा ये एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच जाते हैं प्रैंक्स वगैरह में. दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो अरबियों की ड्राइविंग है ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है. लाइन चेंज कर रहे होंगे, मैंने अक्सर ये बात नोटिस की जब मैं टैक्सी पर आना जाना मेरा हो रहा था, लाइन चेंज कर रहे होंगे तो ये बहुत दफ़ा इशारा भी नहीं लगाते. ठीक है, और अगर आप इसको यूरोप से कंपेयर करो तो यूरोप की ड्राइविंग इस मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. वहाँ के लोग जो हैं रूल्स को काफ़ी ज़्यादा उस हिसाब से फॉलो करते हैं. लाइफ का ना जो एक बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस है ना वो मेरा सऊदी अरेबिया में जो है वो गुजर है. अभी जो है हम मस्जिद की तरफ ही आ गए हैं और यहाँ पर आई थिंक अभी से ही दस्तरखान वगैरह लगाने इन्होंने शुरू कर दिए हैं और काफ़ी रश होती है इस मस्जिद में. काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये. यहाँ पर ना लोग इफ्तारी में क्या क्या देते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ. ज़्यादातर सऊदी जो खाते हैं, एक इनकी लब्बन नाम की लस्सी टाइप होती है जो आई थिंक दूध और पानी का जो है वो मिक्स होता है. एक लस्सी टाइप बनाई जाती है दूध और दही की. ठीक है, पानी की बोतल, खजूरें और साथ एक बन जो है उसको ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसे मैं अपने अल्फाज में ब्रेड कहूँगा. ठीक है, वो ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. तो ये जो है इन लोगों की ना हल्की फुल्की सी सहर और इफ्तार होती है. अभी 20 मिनट रह गए और मैं मस्जिद की तरफ आया हूँ वुज़ू के लिए. मस्जिद की वुज़ू की जगह और मैं यहाँ वुज़ू करने आया था. एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की जो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर जो मस्जिद की जो टूटियाँ लगी हुई हैं जब आप इसको प्रेस करोगे तो थोड़ी अमाउंट में जो है वो पानी निकलेगा. ठीक है, और फिर वो दोबारा ऊपर हो जाएगा और पानी निकलना बंद हो जाएगा और फिर आप उसको दोबारा प्रेस करोगे. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मोस्टली जब आप देखते हो तो वुज़ू के लिए जो है वो पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो रहा है. तो इस चीज़ से ये वो जो पानी ज़ाया होता है उससे ये बचा जा सकता है. वक्त जो है वो काफ़ी करीब आ चुका है. ठीक है, और लोगों की जो तादाद है वो बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है और अब हम जाकर बैठ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं अजान होने का और फिर अपना रोज़ा जो है वो हम खोलते हैं. And I just wanted to be there with you, the place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside. मुझे यूरोप में रहते हुए तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं, तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं. लेकिन यकीन मानो, यकीन जानो, ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा सुकून, ऐसा जो एक जगह की जो राहत होती है ना
वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी जो यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये थी आज की कहानी जो इस मुल्क की हिस्ट्री के साथ, जो इस मुल्क की खूबसूरती के साथ काफ़ी जुड़ी हुई है। पर मेरी कोशिश होगी कि ऐसी मज़ीद जगह आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँ। मिलते हैं फिर कभी, अल्लाह हाफिज़। Knowing that